आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हीट ट्रांसफर। ये चैप्टर तो वैसे तो 11th का चैप्टर है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं 12th में। कारण ये है कि इसमें कई सारी जो थ्योरी है वो करंट की थ्योरी से मिलती जुलती है। इनफैक्ट करंट की थ्योरी अगर हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाती है तो हीट ट्रांसफर में कंडक्शन की जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से समझ में आती है। और इसीलिए स्पेशली कोटा में जो है सारे टीचर्स हीट ट्रांसफर चैप्टर को जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने के जस्ट बाद पढ़ाते हैं, क्योंकि करंट की थ्योरी इसमें अप्लाई होती है। ठीक, तो वैसे ये जो चैप्टर है बहुत छोटा सा चैप्टर है और कभी कभी इससे क्वेश्चन जेई में पूछे भी जाते हैं, है ना। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इस पर टाइम नहीं देना है, फिर भी क्वेश्चन जो है इसमें से पकड़ में आ जाते हैं कई बार। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि जो हीट ट्रांसफर है वो हीट ट्रांसफर कितने तरीके से हो सकता है, मतलब कि मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मतलब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है हीट को ट्रांसपोर्ट करना हो, ट्रांसफर करना हो, तो अपने पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, उसको कहा जाता है कंडक्शन। कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर है वो मटेरियल मूवमेंट के कारण से नहीं होता, बल्कि होता क्या है कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं मीडियम के, वो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करते हुए क्या करते हैं, अपने बगल वाले पार्टिकल को टकरा करके वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। वो अपने बगल वाले को ट्रांसफर करता है, वो अपने बगल वाले को ट्रांसफर करता है। इस तरह से एनर्जी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो ट्रांसफर हो जाती है। तो कहते हैं कि इन दिस मेथड हीट इज नॉट ट्रांसफर्ड बाई मटेरियल मूवमेंट, बट मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन एंड ट्रांसफर हीट एनर्जी टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन। जब भी टकराते हैं दूसरे मॉलिक्यूल से तो टकराते समय में अपनी एनर्जी जो है दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स को दे देते हैं, वो अपने बगल वाले को देता है। इस तरह से एनर्जी जो है एक डायरेक्शन से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो फ्लो करता है। बेसिकली जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर जो होता है वो इसी मेथड से होता है। तो कहा जा सकता है कि इन सॉलिड्स हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाई कंडक्शन। तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड होता है जिसको कहा जाता है कन्वेक्शन। वैसे कन्वेक्शन जो है जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी हम लोग इसके बारे में भी लेंगे। तो कन्वेक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें कि मटेरियल मूवमेंट के से जो है वो हीट ट्रांसफर होता है। जैसे कि हम बात करें एयर की या बात करें किसी लिक्विड की, तो लिक्विड और एयर में जो है कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होता है। जैसे जो फैन चलाया जाता है तो फैन क्या करता है, एयर को सर्कुलेट कराता है। यानी कि एक जगह कहीं अगर एयर जो है गर्म होगा तो वो जहां जगह पर ठंडा होगा वहां भी वो गर्म वाले एयर को सर्कुलेट कर देगा या ठंडे वाले को सर्कुलेट कर देगा। ठीक, या ऐसे देखते हैं, आपने देखा होगा कि रूम में
जो है विंडो जो होते हैं ऊपर खोले जाते हैं, वेंटिलेशन जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो ठंडा एयर है वो नीचे होता है, ठंडा एयर जो होता है वो नीचे होता है क्योंकि वो हेवी होता है, और जो गर्म एयर होता है वो ऊपर होता है। तो नीचे का एयर जैसे ही गर्म होता है वो ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है और जो वेंटिलेशन है उससे होकर के वो बाहर निकल जाता है, और तब जो है रूम थोड़ा सा ठंडा बना रहता है। तो ये यहाँ पर मटेरियल मूवमेंट हो रहा है, एयर जो है जैसे ही गर्म होगा तो नीचे से ऊपर उठता है, यानी मटेरियल का मूवमेंट हुआ, फिर वहां से वेंटिलेशन से के थ्रू बाहर निकल गया, है ना। अब नीचे का एयर ऊपर गया तो उसको भरने के लिए कहीं ना कहीं नीचे से ही जो है दरवाजे से या गेट से जो एयर है वो रूम के अंदर एंटर करता है। तो इस तरह से इसमें एयर का, एयर जो मटेरियल है, जो गैसेज हैं, वो खुद मूव करती हैं, तब जाकर के हीट ट्रांसफर होता है। तो इसमें कहते हैं इन दिस मेथड हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय मटेरियल मूवमेंट, है ना। और जो कन्वेक्शन मेथड है, इस मेथड से लिक्विड और गैसेज में हीट ट्रांसफर होता है। इन लिक्विड एंड गैसेज हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन, ठीक। मतलब कि जो कह सकते हैं कि जो कन्वेक्शन होता है दो तरीके का होता है, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। तो फैन चलाकर हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली जो है एयर को सर्कुलेट करते हैं, यानी आर्टिफिशियली जो है वो मटेरियल को मूव कराते हैं। और एक नेचुरल कन्वेक्शन होता है, जैसा मैंने बताया कि गर्म हवा ऊपर उठता है, ठंडा हवा नीचे आ जाता है, तो वो ग्रेविटी की वजह से नेचुरली जो है वो मटेरियल मूवमेंट होता है। तो उस टाइप कन्वेक्शन जो है वो नेचुरल कन्वेक्शन कहलाता है। तो इसको हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे डिटेल में कन्वेक्शन को, अभी बस इतना ही डिफिनेशन पढ़ेंगे। इसके बाद जो है ये ए था, तो ये हो गया बी, और तीसरा जो है सी, इसको कहते हैं रेडिएशन। अब रेडिएशन में जो है मटेरियल मूवमेंट की जरूरत नहीं है, और ना ही जो है मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेट करने की जरूरत है। इसमें होता क्या है, रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हीट एनर्जी को कैरी करते हैं। जैसे सनलाइट आता है अपने पास, तो वो क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में सन लाइट रेज जो है वहां से चल करके यहां पर आती है, और हीट जो है वो वहां से यहां ट्रांसफर करती है, ठीक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, है ना। तो वो बिना मीडियम के भी हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता हो सकता है, जबकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में जो है मीडियम की जरूरत होती है। तो इसमें कहते हैं कि इन दिस मेथड हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो यानी कि रेडिएशन के लिए जो है, रेडिएशन खुद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो रेडिएशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मीडियम होगा तो रेडिएशन नहीं होगा, मीडियम में भी रेडिएशन हो सकता है और मीडियम नहीं होगा तो भी रेडिएशन हो सकता है। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड इन रेडिएशन। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन टू अर्थ अकर्स बाय
रेडिएशन। ठीक, तो ये तीन मेथड है, तीनों मेथड को हम लोग बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंडक्शन से। कंडक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि ये इस मेथड से हीट ट्रांसफर जो है सॉलिड्स में होता है। तो मैं एक ऐसा रॉड लेता हूं, एक ऐसा रॉड है जो कि पहले रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है। ए रॉड इज एट रूम टेम्परेचर इनिशियली। रूम टेम्परेचर का मतलब हो गया करीब करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होगा, है ना। और अब क्या करेंगे, जैसे इस रॉड, ये रॉड है, रॉड के दोनों एंड को डिफरेंट टेम्परेचर पर रखते हैं। जैसे ये वाला जो टेम्परेचर है इसको हमने आइस बाथ में रख दिया, यानी कि यहां पर आइस है तो यहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा। और जो ये वाला एंड है इसको बॉयलिंग वाटर में रख दिया हमने। तो बॉयलिंग वाटर का मतलब हो गया इस एंड का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा। ठीक, वन एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड अदर एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस गिवन सडनली। अब क्या होगा, कहने का मतलब यह है कि पहले तो रूम टेम्परेचर पर था, हमने अचानक क्या किया, यहां का टेम्परेचर कर दिया 0 और यहां का टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। फिर आप सोचे कि क्या होगा, क्या यहां का टेम्परेचर हर जगह का 27 ही रहेगा, या बढ़ना शुरू हो जाएगा या घटना शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या कि एक्चुअली में ये 100 इधर है तो इधर का जो टेम्परेचर है वो 27 से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इधर जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के पास में जो पॉइंट्स है वहां का टेम्परेचर जो है 27 से नीचे भी चले जाएगा, है ना। तो शुरू में 27 था, लेकिन क्या होगा कि पहले इसमें से एनर्जी इधर जाने की कोशिश तो करेगी, तो क्या होगा कि यहां पर इस रॉड के अंदर खुद ही एनर्जी खर्च हो रहा होगा। एनर्जी खर्च होकर क्या होगा कि रॉड का टेम्परेचर चेंज होने लगेगा अचानक, है ना। बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट है ये 50 डिग्री सेल्सियस कहीं हो जाएगा, यहां वाला जो है कहीं 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यहां वाला कहीं 75 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस तरह से टेम्परेचर जो है वो वैरी करेगा, है ना। ये तब तक मतलब कि टेम्परेचर इनका चेंज होता रहेगा जब तक कि मिड पॉइंट का टेम्परेचर 50 नहीं हो जाता, यहां वाला का 25, यहां का 75, ऐसे मतलब अब एक जो है एक कंटिन्यूअस चेंज आपको दिखेगा, 0, 1, 2, 3 ऐसे 100 तक टेम्परेचर दिखेगा। तो पहले जो है आप देखेंगे कहीं कहीं का जो टेम्परेचर है, जैसे अब यहां का टेम्परेचर एक जगह, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस भी होगा, बाकी इधर ज्यादातर पॉइंट का टेम्परेचर जो है 27 से बड़ा हो गया, और इधर बहुत कम पॉइंट है जहां का टेम्परेचर 27 से कम भी हो गया होगा, है ना। तो शुरू में क्या होता है कि जैसे इसमें एनर्जी खर्च हो रही है ना, खर्च होते होते क्या होगा, फिर हर क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना। जैसे ही टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा उसके बाद क्या होगा, अब यहां से जो एनर्जी जाएगी वो सारी एनर्जी जो है वो इधर निकल जाएगी, अब एनर्जी रुकेगी नहीं, पहले एनर्जी इस रॉड के अंदर ही खर्च हो रही थी। ठीक, तो ऐसा जो एक स्टेट आता है इसको हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट, मतलब हर क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो स्टेडी स्टेट को समझने के लिए हम लोग नॉर्मल कंडीशन में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई नहर है, कैनाल है, और कैनाल में जो है सूखा है, पहले पानी वानी जो है कुछ भी नहीं है, गड्ढे बने हुए हैं। तो जैसे नहर में पानी आता है तो क्या होता है कि पहले गड्ढे भरते हैं, गड्ढे एक बार भर जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि अब पानी जितना उधर से आएगा उतना पानी आगे निकल जाएगा। तो वैसे ही कुछ यहां पर है, पहले यहां का जो टेम्परेचर था 27 था, तो अब यहां से पानी का मतलब है जैसे हीट एनर्जी यहां से यहां जानी थी, लेकिन अभी टेम्परेचर इधर बीच में कम था, 27 था, तो क्या होगा कि बीच में ही एनर्जी वो खर्च होने लगी। जैसे गड्ढे भरने बताया मैंने नदी के अंदर, वैसे ही यहां पर एनर्जी पहले खर्च हुई, खर्च होते होते जब टेम्परेचर हर जगह का फिक्स्ड हो गया
उसके बाद अब जितनी एनर्जी यहां से इधर इंटर करेगी वो सारी एनर्जी यहां से बाहर निकल जाएगी। तो उस स्टेट को हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट, जब हर क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो स्टेडी स्टेट जो है उसका जो डिफिनीशन होता है, कहा जाता है व्हेन टेम्परेचर ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर बिकम्स कॉन्स्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। है ना, मतलब हर जगह का टेम्परेचर टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब टाइम तो चेंज हो रहा होगा लेकिन अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा, तब स्टेडी स्टेट आएगा। शुरू में जैसे ही 100 और 0 लगाया तो टेम्परेचर अचानक चेंज होना शुरू हो गया था, मतलब टाइम के साथ में टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा शुरू में, लेकिन जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा उसके बाद हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड हो गया। तो टाइम के साथ में भले नहीं चेंज हो रहा होगा लेकिन लेंथ के साथ में चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ 0 है, अगले पॉइंट पर जाएंगे तो 25 हो गया, और आगे जाने पर जो है ये और भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टाइम के साथ में ये जो टेम्परेचर है वो वैरी नहीं करेगा, लेकिन एक्स के साथ में यानी डिस्टेंस के साथ में ये वैरी करता है। तो ऐसे स्टेट को हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक, ये ध्यान रखना है कि जो कंडक्शन की जो थ्योरी है, जो लॉज है, वो तभी अप्लीकेबल होते हैं जब स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका हो। है ना, थ्योरीज ऑफ कंडक्शन आर वैलिड ओनली व्हेन स्टेडी स्टेट हैज बीन अचीव्ड। ठीक, तो अब देखेंगे कि जो कंडक्शन की थ्योरी है वो क्या होती है। है ना, तो जैसे अब ये कंडक्टर है, यही वाला, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले पता करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ में तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन एक्स के साथ में, अगर इधर एक्स माना जाए तो ऐसे एक्स बढ़ने पर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ना, तो एक्स के साथ में चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज का मतलब हो गया कि चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, इसको कहा जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। है ना, तो इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम लोग लिखते हैं dT/dx कह सकते हैं, या dT/dL भी कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक, अब यहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना हो, मैं मान लेता हूं कि इसका जो लेंथ है वो है L। ठीक, तो देखेंगे कि यहां से यहां जाने पर टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। मान लेते हैं ये हो गया T2 - T1, यहां का टेम्परेचर T2 की वैल्यू है 100 और यहां का वैल्यू है T1, तो T2 - T1 इतना टेम्परेचर चेंज हुआ है टोटल लेंथ L पर। तो ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। अब इसमें जो है यही T2 की वैल्यू 100 है, T1 की वैल्यू 0 है,
और लेंथ जो भी होगा यहां पर रख देंगे। ठीक, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को बेसिकली इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक, अब जो है जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको हम लोग लिखते हैं यहां पर डी क्यू बाई डी टी। क्यू क्या है? क्यू है हीट एनर्जी, है ना। तो हीट एनर्जी के ट्रांसफर का रेट मतलब टाइम के साथ में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। और दूसरा जो होता है ये साथ में टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल भी होता है, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट ट्रांसफर का चांसेस बनता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों लॉ को हम लोग जोड़ते हैं। ये एक्चुअली में लॉ ऑफ कंडक्शन कहा जाता है। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखेंगे ए, और टेम्परेचर ग्रेडियंट है डी टी बाई डी एल। ठीक है, और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, जैसे ये कंडक्टर है तो इसका ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये लेंथ हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला है कंडक्शन का फॉर्मूला है, और ये जो दोनों लॉ है उनको कहा जाता है लॉ ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन फॉर्मूला। ठीक, तो अभी जो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है, ये जो फॉर्मूला है डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एल, इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के ए, और ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है इसको हमने यहां पर देखा था टी टू माइनस टी वन बाई एल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई एल, और इसको हम लोग डेल्टा टी भी कह सकते हैं, यानी टेम्परेचर में डिफरेंस। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है और ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से करंट की जो थ्योरी है वो हीट ट्रांसफर में अप्लाई होती है। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक क्वांटिटी पढ़ा था जिसको कहा जाता है चार्ज। तो इसमें चार्ज होता था और चार्ज को हम लोग सिंबल क्या देते थे, क्यू। हीट ट्रांसफर में जो है ये होता है हीट एनर्जी। एक्चुअली में करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो करता है और हीट ट्रांसफर चैप्टर में जो फ्लो करता है हीट एनर्जी फ्लो करता है, इसको भी क्यू सिंबल देते हैं। अब इसमें जो है हम लोग पता करते हैं जो करंट होता है उसको हम लोग कहते हैं थर्मल करंट, या कहते हैं पोटेंशियल, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है डेल्टा वी। वैसे ही हीट ट्रांसफर में हम लोग कहते हैं थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक्चुअली में टेम्परेचर डिफरेंस को थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जा सकता है डेल्टा टी। ठीक, मतलब जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था वैसे ही यहां पर टेम्परेचर होता है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है यहां पर टेम्परेचर
डिफरेंस होता है। ठीक, तो अगर करंट पता करें, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आईई, ये होता है डी क्यू बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, ये कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। वैसे ही इसमें होता है थर्मल करंट, है ना, थर्मल करंट जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं आई टी एच, इसको भी डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। एक्चुअली में क्या हो गया, ये हो गया रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का जो रेट है उसको हम लोग थर्मल करंट कह सकते हैं। यहां पर जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वैसे थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये एक्चुअली में क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे वहां पर पोटेंशियल होता था वैसे यहां पर टेम्परेचर है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता था वैसे यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक, तो यहां पर हम लोग निकालते थे क्वांटिटी रेजिस्टेंस, इसको कहते थे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता था इसको लिखते थे रो एल डिवाइडेड बाई ए, है ना, इसको रो को वन बाय सिग्मा भी लिखा जाता है, वन बाय सिग्मा, सिग्मा क्या है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है, वन बाय सिग्मा इंटू एल बाई ए। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसमें सिग्मा होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, है ना। उसी तरह से इसमें आता है थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, और जो थर्मल रेजिस्टेंस है इसको हम लोग लिख सकते हैं आर टी एच से, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा एल बाई के इंटू ए। देखेंगे बिल्कुल एक जैसा फॉर्मूला है, लेंथ हो गया कंडक्टर का, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है, इसको हम लोग कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। अब इसमें हम लोग पढ़ते थे एक ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या करता था कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट ये इसकी वैल्यू बताता था, ये डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ऐसे लिखते थे। वैसे ही इसमें जो है लॉ ऑफ कंडक्शन होता है, लॉ ऑफ कंडक्शन, तो लॉ ऑफ कंडक्शन में जो थर्मल करंट है, थर्मल करंट मतलब डी क्यू बाई डी टी, इसका फॉर्मूला देखें, यहां पर हमने डिराइव किया है ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी, इसको हम लोग कहते हैं थर्मल करंट, इसको लिखा जा सकता है के ए डेल्टा टी बाई एल। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, है ना, तो थर्मल करंट हो जाएगा ये टी टू माइनस टी वन, क्या हो गया ये हो जाएगा डेल्टा टी, और के ए को नीचे लाएंगे तो आएगा एल डिवाइडेड बाई के ए। ठीक है, तो ये जो डेल्टा टी है एक्चुअली में यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस हो गया या थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और एल बाई के ए को हमने थर्मल रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो डेल्टा टी डिवाइडेड बाई ये जो है थर्मल रेजिस्टेंस। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जो लॉ ऑफ कंडक्शन है, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस, है ना, जो डेल्टा टी है, थर्मल रेजिस्टेंस कितना आया है एल बाई के ए। तो देखें यहां से जो थर्मल करंट है, थर्मल करंट मैंने बताया कि ये क्या होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा के ए इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल, ये वही वाला फॉर्मूला आ गया जो हमने वहां पर डिराइव किया था। तो देखेंगे बिल्कुल जो कहानी है बिल्कुल एक जैसा है, जैसे इसमें चार्ज फ्लो करता है वैसे यहां पर हीट एनर्जी फ्लो करता है, यहां पर पोटेंशियल होता है यहां पर टेम्परेचर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर होता है यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, यहां पर थर्मल करंट होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर,
ठीक। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है एल बाई सिग्मा ए, थर्मल रेजिस्टेंस होता है एल बाई के ए। तो ओम्स लॉ बताता है डेल्टा वी बाई आर ई, तो यहां पर डेल्टा वी के जगह पर डेल्टा टी रख देते हैं और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के जगह पर थर्मल रेजिस्टेंस रख देते हैं, है ना। तो डेल्टा बाई थर्मल रेजिस्टेंस एल बाई के रखने से ये बिल्कुल जो कंडक्शन के जो फॉर्मूला है वही वाला आ रहा है। ये जो थर्मल करंट है ये है एक्चुअली में डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल, यही फॉर्मूला अभी हमने वहां पर ड्राइव किया था। तो आप देखेंगे करंट की सारी थ्योरी जो है वो अप्लीकेबल है यहां पर। इनफैक्ट आपने जो भी किरचॉफ्स लॉ जो होते हैं, जो वोल्टेज लॉ होता है, जंक्शन लॉ होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं वो यहां पर अप्लाई किया जा सकता है।